गोरखपुर जी, गोरखपुर ये वो सीट है जो इस वक्त सियासत के केंद्र में आ चुकी है। जानते हैं क्यों? गोरखपुर ना सिर्फ सियासत के केंद्र में बल्कि देश ही नहीं दुनिया की निगाहें इस सीट पर आकर टिकी है। गोरखपुर जहां से खुद सूबे के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव इस बार जीतेंगे हारेंगे इसको लेकर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जनता विधायक चुनेगी या फिर मुख्यमंत्री। आखिरकार किस आधार पर गोरखपुर की आवाम वोट देगी? गोरखपुर की ये वो जगह है, मैं आपको बता दूं, ये दवा की सबसे बड़ी पूर्वांचल की मंडी है, और ऐसे में दवा के लिहाज से समझिए कि वैक्सीन अब जनता लगाएगी किसके पक्ष में और किसको इस दवा का असर होगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से। हमारे साथ गोरखपुर की आवाम यहाँ पर मौजूद है, और गोरखपुर की आवाम से पूछेंगे कि अब की बार क्या वाकई योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे या फिर इतिहास बनेंगे। ये अपने आप में एक अहम सवाल बना हुआ है। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे तमाम बीजेपी के धुरंधर भी मौजूद हैं मेरे साथ, और एक से बढ़कर एक बीजेपी के जो जिन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा है योगी को जितवाने के लिए, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भाजपाई हैं, माथे पर तिलक है, दिल में उम्मीदें हैं, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जीतेंगे? 100% जीतेंगे। पहले तो ये कह रहे भाजपाई, हम लोग सभी व्यापारी हैं, और योगी आदित्यनाथ जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा नाम खुद योगेंद्रनाथ है ना, तो योगी आदित्यनाथ के लिए कोई कहानी ही नहीं है। कहानी यह है कि कोई क्या चाहता है, एक सुरक्षित माहौल, व्यापारी चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जनता भी वही चाहती है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी हुई है कि देखिए, चाहे अफजाल अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे जो भी हो, सब जेल में है, और उनके घर पर योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है ना। तो योगी जी तो वह है जो करने और कहने में विश्वास रखता है। ऐसी कहावत थोड़ा कहते हैं, न रही सांप न बाजी बांसुरी। योगी जी का सिद्धांत दूसरा है। अब की लोगों की गर्मी निकालने हैं, अगले बार आएंगे तो भर्ती निकालेंगे, बम्पर भर्ती निकालेंगे हमारे नौजवानों। आप गर्मी निकालने की बात करते हैं, कभी भर्ती भी निकालिए ना, गर्मी से क्या होगा, भर्ती भी निकाल देते आप, भर्ती क्यों नहीं निकाली? आप सबकी गर्मी निकाल रहे हैं, और वो भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तो विकास दुबे भी तो माफी है ना, वो भी तो बताइए कि नहीं। नहीं, गर्मी निकाली उन्होंने, भर्ती भी निकालेंगे, अब की मौका दीजिए, बम्पर भर्ती आ रही है, चिंता पर भर्ती आएगी, बिल्कुल आएंगी, महाराज जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, गोरखपुर में महाराज ही क्यों, और गोरखपुर के लिए महाराज ने किया क्या? जो किया है वो कह नहीं सकते हम, इतना किया उन्होंने, एम्स लीजिए, चिड़ियाघर लीजिए, सड़कें लीजिए, स्वास्थ्य लीजिए, सुरक्षा लीजिए, क्या नहीं दिया उन्होंने, सब दिया है। क्या दिया गोरखपुर को महाराज ने, क्या दिया? माननीय महाराज जी 1997 से लगातार 5 बार यहाँ की सीट जीते आए हैं, ये अपने आप में स्वतः बताने के लिए परिपूर्ण है, ताकि वो गोरखपुर की जनता के लिए क्या करते हैं। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई, इंसेफ्लाइटिस जैसे मुद्दे जिससे लाखों हज़ारों बच्चों की यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में मौतें होती थी, क्या किया विगत इस 5 सालों में अगर देखा जाए, एम्स, और अगर पूरे बीजेपी की बात करें, जैसे जो डबल इंजन की सरकार कहते हो, महाराज जी ने क्या किया इसकी कोई गिनती नहीं, कोई तुलना ही नहीं। फर्टिलाइज़र बंद पड़े, फर्टिलाइज़र को चालू करके आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं दिया, एक फर्टिलाइज़र शुरू होने से न जाने कितने को रोज़गार मिलेगा। NHI है, जितने नेशनल हाईवे या जितने भी बन रहे हैं, एम्स का निर्माण है, एम्स में न जाने कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, रोज़गार हर जगह दिख रही है। नहीं, रोज़गार हुआ है, ये कह रहे थे विपक्ष के नेता, आइए ना सर, आप भी आइए, आइए आप लोग भी आइए, आप लोगों के लिए मंच है। विपक्ष ये कह रहा है कि गोरखपुर पहले ही जो है बीजेपी ने बाबा को पहले ही मठ भेज दिया, और गोरखपुर जो है इसलिए चुना गया, पहले ही मठ भेज दिया चुनाव से पहले। ऐसा कैसे ने, महाराज जी यहाँ से सांसद रहे हैं, विधायक हमेशा रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, उनका गृह जनपद है, तो कैसे मठ भेज दिया? महाराज जी हम लोगों के चाहते हैं, हाँ, तो कहे को गोरखपुर उनको प्रचंड बहुमत से जिताने के तैयार है, रिकॉर्ड मत से उनकी जीतना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने कि उतने मतों से कोई ने जीता हुआ आज तक। तो फिर ये क्या हिंदुत्वीय एजेंडा है आप लोगों के लिए, या फिर आप खुद व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार पर असर नहीं पड़ा कोरोना के बाद, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ क्या हिंदुत्व ही मुद्दा है आपके लिए? देखिए, कोरोना के बाद क्या है, जितना बढ़िया मैनेजमेंट इस सरकार ने की, हमारे यहाँ मास्क नहीं बनता था, हमने भरपूर मास्क बनाया जो भी देशों से आता था, सैनिटाइजर बनाया, और विकास व्यापारी का कैसे होता है जब 6 लेन रहे, 4 लेन रहे, सड़कों का आवागमन रहे, तो जो सड़कों का आवागमन बढ़ाया ना, उसने हमारे व्यापार को भी बढ़ाया है। व्यापार कैसे बढ़ा, अभी एम्स बना है, हमारे 200 दवा की दुकानें खुल गई, फर्टिलाइजर है, वहाँ तमाम व्यवसाय मिला है, वाटर स्पोर्ट है, तो योगी जी ने इतने काम किए हैं, चिड़ियाघर है, तो क्या वहाँ लोगों का व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है? तो योगी जी का जो है
ये कर्मयोगी हैं, योगी नहीं कर्मयोगी हैं, और इनका सिर्फ कर्म पे ही विश्वास है। और गोरखपुर की जनता योगी जी का चुनाव लड़ रही है। देखिए योगी जी पर्चा दाखिला के बाद चुनाव प्रचार करने गोरखपुर नहीं आए, यहाँ की एक एक जनता चुनाव लगती है, सब लोग खुद योगी आदित्यनाथ बन के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कर्मभूमि सांसद के रूप में रही है और विधायक के रूप में लाखों लाख मतों से जीत के जाएंगे। नहीं तो 10 तारीख को आइएगा, यही मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपसे बात करूंगा कि योगी आदित्यनाथ लाखों वोट से जीत के जाएंगे और यहां की जनता जय श्री राम हर हर महाकाल के नारे लगाएगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही है जय श्री राम की, जय जय श्री राम। आइए आइए आइए, इधर आइए, आइए आइए इधर आइए, जय श्री राम की बात कर रहे हैं, इधर आइए आइए भाई साहब, आप लोग भी आइए। आप कह रहे हैं जय श्री राम। हाँ। अच्छा, हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट दोगे या विकास के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर भी देंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी देंगे। हाँ। अगर आप उससे 5 साल पहले, अगर आप गोरखपुर में आए पहले, पता नहीं आप आए थे कि नहीं आए थे इससे पहले 5 साल पहले आप जी, तो 5 साल बाद जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो रोडें चेंज हुई है, जो काम हुआ है, उसके बेसिस पे भी योगी जीतने चाहिए। हिंदुत्व तो है ही, वो हिंदुत्व मन में है। आपने इतनी जोर से अभी जय श्री राम का नारा लगाया, तो क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के, क्योंकि एक बहुत बड़े ब्रांड हैं और माना जाता है कि अब इस वक्त जो है वो स्थापित कर चुके हैं, तो उनको सिर्फ मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या प्रधानमंत्री बनते हुए? नहीं, प्रधानमंत्री तो देखना ही चाहते हैं, बेसिकली चाहते हैं, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा और वो अभी एक बार और चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर हम उम्मीद करेंगे कि अगले बार वो प्रधानमंत्री को। अखिलेश यादव पता क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले ही उन्हें जो है मठ भेज दिया गया, गोरखपुर भेज। देखिए, आदमी के पास जब कुछ करने के लिए नहीं रहता तो केवल कहता है, अखिलेश यादव केवल कह रहे हैं और वो कहते कहते ही चले जाएंगे एक दिन। योगी जी आना है, योगी जी रहेंगे और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते रहेगा योगी अभी कितने और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने भी इधर आइए, आप भी आइए, आप भी पीछे से बहुत जोर से बोले जय श्री राम। तो मतलब ये पक्का है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ही गोरखपुर में चुनाव होने? जी 100%। विपक्ष के नेता कह रहे थे कि 5 काम पूछ लीजिएगा गोरखपुर के लिए, क्या किया हमारा? 5 काम तो अभी 5 लोगों ने आपको 5 काम बता दिए, उससे ज्यादा ही काम बताए होंगे, वो आपके इस पे है। गोरखपुर का 50 काम मैं गिनवा सकता हूँ, 5 काम लोग बोल रहे हैं ना, अभी गोरखपुर के लिए मैं गिनवाया हूँ खाद कारखाना, एम्स, और ये जो है चिड़ियाघर, वाटर स्पोर्ट्स, और ये गंदा चीनी मिले सुदृढ़ीकरण हुई है। और जो राम को कह रहे हैं, राम हमारी सनातन संस्कृति हैं, हम जब पैदा होते हैं तभी बच्चों को राम के बारे में सिखाया जाता है, और भगवान, जब हम कभी परेशान होते हैं तो उसी भगवान राम की शरण में जाते हैं और वो हमें हौसला देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज भारत में तीर्थस्थल के रूप में है क्या? विदेशों की तरह से थोड़ा है, कैबरे और डांस बार है और बार करेंगे, यहाँ तीर्थस्थल है, यहाँ हमको घूमना जाना होता, हम वृंदावन जाते हैं, हम काशी जाते हैं, हम प्रयाग जाते हैं, हम मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। ये जो तीर्थस्थल माननीय योगी आदित्यनाथ जी डेवलप कर रहे हैं ना, ये गोरखपुर का और उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखेगा, और यही तीर्थस्थल योगी आदित्यनाथ को वास्तव में देश और प्रदेश दोनों पटल पर लटकाएंगे। और जिस तरीके से मोदी जी का नाम हुआ है, उससे आगे योगी जी का नाम होगा और पूरे देश में और विश्व में योगी जी का परचम लहरेगा और सब लोग हर हर महादेव का नारा करेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि फिर वो अयोध्या छोड़ के यहाँ क्यों आए? अगर वो चुनाव लग रहा है आपको कि राम के लिए मंदिर बनाया उन्होंने, अयोध्या का विकास किया, तो अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए था ना योगी जी को? महाराज जी की ये कर्म भूमि है, शुरू से रही है, और महाराज जी कहीं चल लेंगे, जीतेंगे, लेकिन उनको हमने आग्रह किया कि आप यहाँ ना छोड़िए, या आप कर्म यहीं रहिए, तो उस पर माने हैं वो यहाँ दलों को राजी नहीं थे, लेकिन हमने कहा लड़िए आप, तो राजी हुए हैं वो। अच्छा, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ तो सब योगी योगी सुनाई दे रहा है, जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और योगी जी ने एक बात और कही थी, योगी जी ने कहा था 80 और 20, वो 80-20 सुना था? 80 भाजपा 20 अखिलेश। 80 भाजपा और 20 अखिलेश गोरखपुर में? नहीं, यूपी में, पूरे यूपी में। जी, यस। 80-20 का मतलब समझते हैं आप? अरे बस 80 समझ लीजिए कि भाजपा और 20 जो है बाकी अन्य दल। ये तो कह रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम उसमें कौन बात है, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, ये सब तो चलता रहता है, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है, मुसलमान सब भाई हैं भाई, और भाइयों में बहुत अच्छी बात कही, आप इनके लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर, उसे बबलू, उस भालोटिया में लोग जानते हैं।
अच्छा, ये जो बोलते हैं कि योगी जी की छवि है एक हिंदुत्व नेता की छवि है और बार बार जो है वो एक वर्ग को निशाना बनाते हैं, आपको लगता है ऐसा या सिर्फ गोरखपुर के मुसलमान अलग हैं? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब एक है। ये कुछ ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो अपना खुद का फायदा उठाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप योगी आदित्यनाथ को वोट क्यों देंगे? वो तो 80-20 की बात करते हैं ना। योगी आदित्यनाथ को वोट ये देंगे कि ऐसा सीएम कभी भी आया नहीं था। अखिलेश हों, चाहे मायावती हों, चाहे कोई भी हो, उनसे बड़ा अच्छा और यूपी को डेवलपमेंट करने वाला वही है। और हमारे गोरखपुर के जो है आज से नहीं, अवैधनाथ से लेके, और इतिहास है कि अब तक मठ ही चलाता था, और आज पीएम की या सीएम की कुर्सी जो भी होगी वो सब जो है अब दौर बदल चुका है। अच्छा, विधायक चुनेंगे या मुख्यमंत्री? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये विधायक चुनेंगे या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री चुनना है। मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनना। रोजगार मुद्दा है कि नहीं? रोजगार मुद्दा है ही है। मुद्दा है। हाँ हाँ, बड़ा मुद्दा है रोजगार। युवा रोजगार के मसले पर वोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, महाराज जी को वोट कर रहे हैं। रोजगार बड़े पैमाने रोजगार दिया महाराज जी ने? नहीं, गोरखपुर में अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर आया, एम्स आया, तो रोजगार कहीं ना कहीं लोगों को मिला ही। यहाँ पे गीडा डेवलप कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र, तो वहाँ रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो रोजगार मिल रहा है लोगों को। विपक्ष तो कह रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जब आपने यूपी में रोजगार नहीं दिया तो गोरखपुर के लिए क्या किया? नहीं, गोरखपुर में बहुत रोजगार मिला, बहुत रोजगार मिला युवाओं को। आखिर गीडा इतना डेवलपमेंट हुआ, फर्टिलाइजर में आया, वहाँ लोगों को रोजगार मिला, तो कहीं कुछ विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। विपक्ष तो यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब, यहाँ है ही नहीं है। आप गोरखपुर, अगर आप गोरखपुर में विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष नहीं है, आप विपक्ष। हाँ सर, जहाँ तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष की बुराई करना, उनकी नीतियों की आलोचना करना। तो विपक्ष अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। गवर्नमेंट अच्छा काम करे या जो करे वो आलोचना करेगा ही। तो विपक्ष जो है बिल्कुल सही है, वो आलोचना कर रहा है। और लेकिन ये है कि हमारे जो महाराज जी हैं, योगी जी हैं, उनकी ज़रूरत है इस देश को, इस प्रदेश को, और प्रदेश में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। हम तो आगे देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं। क्या इसकी बात कर रहे हैं? वो 20 मैं नहीं कर रहा, वो तो योगी जी कह रहे थे 80 और 20। मैंने क्या कहा? 80-20 की बात का, वो 20 मैंने उनसे पूछा था भाई जान से। 20% लोग वो नहीं है, आप पर्टिकुलर किसी एक कास्ट को लेके। मुझे तो बताया गया 80 और 20, मैंने नहीं कहा। 20% माफिया है, वो 20% गुंडा लोग हैं जो कि अराजकता फैला रहे हैं, और इसीलिए हम लोग योगी जी को लाएंगे। जहाँ बात रही रोजगार की, जहाँ पे बात रही रोजगार की, यहाँ पे इतने लोग हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति बोल दे जिसके रिश्तेदार संबंधी आसपास के लोग, कोई टीचर की वैकेंसी नहीं हुई है, कोई ऐसा आदमी व्यक्ति नहीं है जो कह नहीं सकता कि मेरे रिश्तेदार में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बगल में जिसकी नियुक्ति नहीं हुई है। सबकी हुई है, सबकी हुई है, सबकी हुई है। यानी रोजगार नहीं हो सकता भाई साहब, तो कह रहे रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा तो है, इतनी बड़ी जनसंख्या है। अगर आप जनसंख्या के दृष्टि से देखिए तो उत्तर प्रदेश में सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अखिलेश के शासन में क्या था? संविदा पे नौकरी चाहिए, 1.5 लाख रुपया दी संविदा पे नौकरी, सबकी सरकारी नौकरी, कहने को सब सरकारी है, उस नौकरी क्या कीमत है? 12 पास है, 1.5 लाख रुपया दीजिए, हो गया सरकारी नौकरी। ऐसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है ना, आदमी एमए करता है, बीटीसी करता है, तब जाके भी सरकारी नौकरी पाता है। तो सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी देखिए, सरकारी नौकरी का जिसका विकल्प है वो सरकारी नौकरी पास जा रहा है, मिल रही सरकारी नौकरी। इतनी बड़ी जनसंख्या में इतनी आसान चीज़ नहीं है कि नियुक्तियाँ कर देना और रिक्तियों को तुरंत भर देना, वही खासकर जब सिस्टम पूरा करप्ट रहे, उस सिस्टम को ओवरहॉलिंग चल रही है, धीरे धीरे चीज़ें और बेहतर होंगी। संविदा की नौकरी नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। आप आइए ना, आगे पीछे मास्क लगा कर आप छुपे हुए हैं, आप यहाँ खुलकर बोलिए ना, बोलिए क्या। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, सब इतनी बड़ी जनसंख्या है, सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यहाँ जितने लोग हैं सारे प्राइवेट कर्मचारी हैं, और कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं जो यहाँ 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख से कम कमा रहा हो, ठीक है? सब अच्छे कमा रहे हैं और सारे लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, तो सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। हाँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाइए, IAS पीसीएस बन जाइए, योगी जी रोक रहे हैं क्या आपको बनने से? हाँ, योगी जी ने तो रोका नहीं है। अगर सपा की गवर्नमेंट आएगी तो सबको कलेक्टर बना देगी? आपको कहीं संभव है सर? अगर सपा की गवर्नमेंट आती है, सबको कलेक्टर बना देती है, तो आए और लिखित दे, हम लोग भी सबको वोट देते हैं। महाराज जी यहाँ के थे, हैं और रहेंगे। महाराज जी यहाँ के थे, हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे महाराज जी, प्रधानमंत्री बनेंगे अगले 10 सालों के अंदर देश के। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रधानमंत्री का हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगले 10 सालों में हम लोग महाराज जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, और 10 मार्च को योगी जी मुख्यमंत्री फिर से बन रहे हैं।
अभी भाई साहब ने बहुत जोर का नारा लगाया था जय श्री राम का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम तो मन में है, मन की बात तो निकल ही जाती है। अच्छा, मन की बात निकल जाती है, लेकिन लेकिन अब मैं जल्दी से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सेमीफाइनल है, अगली बार फाइनल होगा। पूछवा दूं जनता से? हाँ पूछवा लीजिए, आप आइए ना, फिर इधर आइए, आइए 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 आइए। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब, सामने आइए, सामने आइए, इधर आइए। इनका आप अपना नाम? आशीष भट्ट नाम है मेरा। आशीष भट्ट, आशीष भट्ट ये कह रहे हैं, थोड़ा सा दोस्त पीछे, आशीष भट्ट ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल किस बात का है? सेमीफाइनल इस बात का है कि योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनाना। हाँ बिल्कुल बना, इस बात का सेमीफाइनल। हाँ ये सेमीफाइनल है, पब्लिक से पूछ लो। हाँ पब्लिक से पूछ लीजिए भाई, हर आदमी के मन में है योगी, हर आदमी के मन में योगी है। और बोल रहे हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। हाँ। इतना व्यवसाय पैदा कर दूंगा कि कोई बेरोजगार नहीं रह पाएगा। हम लोग नौकरी देने वाले बनेंगे, नौकरी खोजने वाले नहीं बनेंगे। अच्छा नौकरी देने वाले, एक इनके सवाल पर आ रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री योगी जी सर। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री के लिए अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा ना अभी भाई साहब ने कि यहाँ पे जितने लोग असल लगभग 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, हम लोग प्राइवेट कर्मचारी 8,000 रुपये काम करते हैं यहाँ पे, तो ये सोचना चाहिए ना कि मतलब हम क्यों कह रहे हैं। अच्छा तो इसलिए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। ये कह रहे हैं कि चुनाव तो विधायक का नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री का नहीं हो रहा, ये चुनाव हो रहा है देश के प्रधानमंत्री का, और 10 साल में योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम। क्या वाकई प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है? नहीं, चुनाव तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए ही हो रहा है। पूरे गोरखपुर की जनता महाराज जी को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। प्रदेश में जो विकास हुआ है उसको देखते हुए पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री बने, और अगले लोकसभा चुनाव में उनको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि विधायक नहीं, सीधा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री। जी हाँ सही कहा आपने, आपने सही कहा, पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री, यही सबका मन है, सबका मन है, सबका मन है। आपका भी यही मन होगा? मेरा ये ना ना ना, ये पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। अरे सर आप निष्पक्ष रहिए, लेकिन वोट आप कमल के बटन को दबाइए। अच्छा व्यक्तिगत रूप से आपकी कोई राय होगी? व्यक्तिगत रूप जब 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 पत्रकारिता, पत्रकारिता धर्म निभाने दी। भालोटिया के कण कण में भाजपा है, और जन जन में योगी आदित्यनाथ जी महाराज है। जय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अच्छा एक तरफा क्या वाकई में, अगर आप दावा कर रहे थे, आपको मैंने सुना था, कह रहे थे जमानत नहीं बचेगी इन लोगों की जो विरोधी। मैं इस बात पे अभी बड़ी कहूँ, क्योंकि चुनाव लड़ने वाला सिर्फ महाराज के लिए नहीं है, आम जनता लड़ रही है, और आम जनता को पुकार रही है, सबकी इच्छा ही है जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। यहाँ दूर दूर तक कहीं भी कहीं विरोधी कोई पक्ष है ही नहीं। आपको यहाँ के माहौल से भी आप अवगत हो रहे होंगे, यहाँ एक आदमी ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी धर्म जाति को रहता हो, बिलोंग करता हो, नहीं, सबके मन में एक ही नाम है, महाराज, पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ, तो कहीं भी कोई शक नहीं है इसमें। यहाँ योगी जी को आने की भी जरूरत नहीं है, जीतना उनका तय है, हम लोग खुद प्रचार कर रहे हैं, निस्वार्थ जनता पर रहे हैं। आएंगे तो योगी जी पूरे प्रदेश में आएंगे, योगी जी यहाँ जनता ही प्रचार कर रहा है, देखा जाए कौन रावण को वोट दे देता है। भैया जहाँ तक ये बात, एक मिनट, जहाँ तक आप बात कर रहे थे विकास की और ये विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो योगी विकास तो दिख रहा है, इस बार विकास दिख रहा है, आप भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, और पब्लिक हमेशा से, सभी समझदार है, पढ़ी लिखी है, विकास को ही वोट देगी, और विकास दिख रहा है गोरखपुर में, इसलिए ये कहना, बाबा हैं जो भी हैं, आएंगे तो बाबा ही, लेकिन विकास दिख रहा है सर, इस बार विकास दिख रहा है, और आप बच्चे से पूछ सकते हैं, छोटे बच्चे ही बोल रहे हैं कि विकास दिख रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि विकास मुद्दा है। यहाँ पे तो जोर जोर से अभी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। देखिए एक मिनट, बुलडोजर भी मुद्दा है, बाबा का बुलडोजर अगली बार रिपेयरिंग हो रहा है, बहुत तेज चलेगा, सारी संपत्तियां उन लोगों की जब्त हो जाएंगी जो लोगों ने अवैध किया है, और यूपी का विकास होगा। अच्छा तो बुलडोजर जय, तो यहाँ बुलडोजर वाले बाबा की जय, बुलडोजर वाले बाबा की।
मुद्दे की बात करेंगे आप, अभी मैं काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गया था और दो साल पहले भी गया था। जब दो साल पहले देखो राज देखा तो दिव्य दिखाई दिया, तब मंदिर दिखता ही नहीं था, कुछ और ही दिखता था, और आज सिर्फ मंदिर ही दिख रहा है विश्वनाथ जी का। तो हर जगह काम हो रहा है, धर्म में भी काम हो रहा है, क्षेत्र में भी काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, हॉस्पिटल का काम हो रहा है, इतने मेडिकल कॉलेजेस दिए जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये सब तो एम्प्लॉयमेंट को ही बढ़ाएगा। राम मंदिर के नाम पर मुद्दा, जो राम मंदिर के नाम पर वोट, विकास का मुद्दा है, राम मंदिर तो पहले से दिल में था, विकास तो हो ही रहा है। जो पहले की होता था कि एक्सीडेंट हो गया और किसी को आपको लेके जाना है तो इतनी इंक्वायरियाँ होती थी, पुलिस कैसे आए, कौन है, तुम कौन हो, अब वो नहीं है। इस पर स्पेशल आपको बोर्ड दिख रहा है कि अगर आप किसी घायल को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपको उसमें भी इनाम दिया जाएगा, 5,000 की राशि की घोषणा की गई है। तो ये सब एक अच्छी कदम है और एक अच्छा प्रयास है जिससे आम आदमी भी लोगों से जुड़ पाए, ह्यूमिनिटी बढ़ जाती है। अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैं इसलिए नहीं छूँगा क्योंकि पुलिस मुझे तंग करेगी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये अब बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आप इससे चलिए, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जीत एक तरफा होगी और जय श्री राम के नारे के साथ किसी को लड़ना ही नहीं चाहिए, सब लड़ना ही नहीं चाहिए, योगी जी अकेले लड़े और वही जीते। तो चलिए, ये गोरखपुर की आवाम, स्टेडियम में कमल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है सर, कुछ नहीं दिखता, सीधे जाते कमल है दबाओ और चुपचाप चले आओ घर। सुबह सर इस बार तो सबसे पहले वोट डाला, नहा धो के जाना है, कमल के बटन को दबाना है और 10 मार्च को विजय की ललकार होगी, सरकार होगी, विजय की ललकार होगी। तो ये थी गोरखपुर की, जल्दी से आदमी जो है सर कैसे भी कमा खा लेगा, लेकिन सुरक्षा और कानून व्यवस्था मेन मुद्दा है सर, रोजगार तो सर आदमी योगी जी ने दिलवाई सुरक्षा। हाँ सर बिल्कुल सुरक्षा है सर, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है इस सरकार में एकदम, और योगी जी एकदम सख्त मुख्यमंत्री है और एकदम उनका ही शासन आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता एकदम। तो ये दावे हैं गोरखपुर की आवाम के, जिन्होंने लगाए जय श्री राम के नारे, और जय श्री राम के नारों के बीच दावा ये है कि आखिरकार योगी ही होंगे गोरखपुर का चेहरा, क्योंकि इनका ये कहना है कि विधायक नहीं बल्कि ये चुन रहे हैं मुख्यमंत्री। तो गोरखपुर की इस दवा मंडी से मैं, मेरे सहयोगी मोहम्मद सरताज के साथ, मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। अगली बार होगी गोरखपुर की एक और ऐसी ही दिलचस्प जगह पर चर्चा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।